चलें चलें आज 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 आपकी जो जनरोसिटी है उसकी वजह से हम वो बाहर दुनिया में हॉस्पिटल बन चुके हैं जिनके कैंसर के मरीजों का हम इलाज करते हैं। और दूसरी चीज जो कि जो लोग वसाइल भी रखते हैं बाहर इलाज करवाने के लिए, जिस तरह मैंने अपनी माता ने बाहर इलाज करवाया अभी कोई कैंसर हॉस्पिटल नहीं किया, तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो इलाज 10 रुपए का शौकत खानों में होता है वही इलाज 100 रुपए का बरतानिया या अमेरिका में होता है। तो ये भी पता चलना चाहिए कि यहाँ बाहर एग्जैक्टली वही इलाज बाहर के लोगों के मुकाबले में 10 फीसद पे आ पड़ता है। तो पैसे वाले लोगों के लिए भी जरूरी इसलिए है कि जब कैंसर होती है इंसान चाहता है सिर्फ खाना उसके अंदर, जब वो बाहर इलाज करवाने लगता है तब मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तो ये हर पाकिस्तानी के लिए कैंसर हॉस्पिटल को सपोर्ट करना इसलिए जरूरी है कि कैंसर की ट्रीटमेंट बाहर महंगी भी है मुश्किल भी है, और अब से हमारे मुल्क की उनके पास वसाइल ही नहीं कैंसर का इलाज करवाने के लिए। अभी भी शौकत खानों में हर साल इतने मरीजों को हमें वापस भेजना पड़ता है क्योंकि हॉस्पिटल में जगह नहीं। दूसरा हॉस्पिटल बना है पेशावर में, वो भी हॉस्पिटल में हमारे साल से भी मरीज आते हैं, और अब हम तीसरा हॉस्पिटल बनाने जा रहे हैं कराची, और इंशाल्लाह बहुत से साल के आखिर में हमारा जो शौकत खान कराची होगा जिस तरह डॉक्टर आसिफ ने आपको बताया वो सबसे बड़ा कैंसर हॉस्पिटल सारे दोनों हॉस्पिटल से बना के बड़ा कैंसर हॉस्पिटल है पेशावर में बन रहा है। और उसकी वजह यह है कि हमारी 22 करोड़ आबादी के लिए ये भी कम पड़ जाता है। कैंसर दुनिया की वो दो बीमारियों में से जिससे सबसे ज़्यादा लोग मरते हैं हार्ट डिजीज और कैंसर। तो ये आपसे आखिर में मेरी ये अपील है कि आप आज डोनेशन से अभी तक मुझे पता चला है 8 करोड़ हमारा बैठा हुआ है, लेकिन इन शाला मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है सर आप थोड़ा सा पीछे हो हमारी शाम खत्म होगी तो हम इंशाल्लाह इसका डबल पैसा कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। वैल्यू न्यूज़ की वीडियोस देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल के आइकन पर भी क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली तमाम मालूमाती वीडियो से बाखबर रह सकें।